राफेल को, तो चलिए वो कॉस्टिंग तो एक चीज होती है कि कितने की कितना कीमत कहा जा रहा है, किस तरह की डील हो रही है, लेकिन आपके हिसाब से राफेल इंडियन कंडीशंस के लिए और हमारे दुश्मनी सरहदों पर वो कितना ज्यादा कारगर है? क्यों राफेल, व्हाई राफेल? देखिए राफेल जब जिस समय यूरोफाइटर और इसको हमने शॉर्टलिस्ट किया था तभी भी राफेल एडवांटेजियस था हर लिहाज से। फिर हमने फ्रांस से पहले भी डील कर रखी है मिराज 2000, बहुत ही टाइम टेस्टेड एयरक्राफ्ट रहे हैं हमारे पास, तो हम उनसे डील करते आए थे। और फ्रांस की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है स्नेगमा जिसे आजकल सैफ्रन कहते हैं और थॉमसन सीएसएफ जिसे थैलस कहते हैं, इन दोनों को हमें हमारी टेरेन में किस तरह की जरूरत है उसकी खबर है। तो दूसरी चीज जैसे यूरोप फाइटर टाइफून में जो स्टेशन थे आर्मामेंट स्टेशन वो 13 थे, इसमें 14 थे, इसका वजन भी कम है और ये उतना ही पेलोड ले सकता है, यूरोफाइटर उस तरह से एडवांटेजियस नहीं है। तो ये उस समय की भी बेस्ट डील थी, इसे जब हमने 2012 में इसमें क्वालिफाई किया था तब भी यही बेस्ट था। ये और बात है कि उस समय वो इंडिजिनस हमारा एचएएल के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया और राफेल सर्टिफाई नहीं करना चाहता था, वो अलग बात है, लेकिन राफेल ही शॉर्टलिस्टेड एयरक्राफ्ट था जी हर लिहाज। एक बार आप लोगों को श्वेता थोड़ा सा रोकते हुए अंबाला लेकर चलते हैं, सत्येंद्र चौहान।